हेलो डियर स्टूडेंट मैं हूं तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट जिसमें हम नियर अबाउट इलेवन फुल लेंथ पेपर सॉल्व करेंगे एक चैप्टर केमिस्ट्री से एक चैप्टर आपका फिजिक्स से एक चैप्टर आपका बायोलॉजी से ठीक है अगेन फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऐसे हम पूरे पाँच चैप्टर पाँच फुल लेंथ पेपर सॉल्व करेंगे आफ्टर वी विल शिफ्ट टर्ड्स द सेक्शन वाइज बायोलॉजी सेक्शन पूरा चारों चैप्टर एक साथ देन फिजिक्स के चारों चैप्टर एक साथ केमिस्ट्री के चारों चैप्टर चारो 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 एक एंड देन मॉडम चैप्टर वी विल कन इंक्लूडेड इन टू द बाइ चैप्टर फिर इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद देन वी विल कम्पलीट द फुल टेस्ट पेपर ऑफ कम्प्लीट साइंस एज अबस तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला फुल एंड टेस्ट पेपर जिसमें हमने चैप्टर नंबर टू ऑफ केमिस्ट्री लिया है एज इट बेस एंड सॉल्व चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेस एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हमने लिया है

पहला क्वेश्चन क्या है आपका बेटा केस बेस्ड स्टडी केस बेस्ट स्टडी को समझने का क्वेश्चन देखो कैसा होता है केस स्टडी में क्या होता है आपको एक पैराग्राफ दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ आपको कुछ सर्टेंस क्वेश्चन दिए आपको क्या होंगे बेटा कुछ सर्टेंस क्या है क्वेश्चन दिए होंगे उसके अब कुछ सर्टेंस के क्वेश्चन जो होंगे वो पैराग्राफ में हो ऐसा जरूरी नहीं है जैसे इंग्लिश में होता था हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके आंसर हमको कहाँ मिल जाते थे आपके पैराग्राफ में पर ऐसा नहीं होता केस बेस्ड स्टडी से क्या होता है आपको जो स्टोरी पढ़ना है जो पैराग्राफ पढ़ना है है उससे हमें एक लगता है कि किसके बारे में दिया हुआ जरूरी नहीं है तो देखिए पहला ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज ऑफ लाइम ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं बेटा क्लोराइड लाइम ठीक है जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं इसमें उसमें मार्क करते जाऊंगा तो आप उसको थोड़ा पैटर्न को ऑब्जर्व करना क्या चीजें हमें पढ़ने लायक है क्या चीजें हमको छोड़ने लायक है मतलब जिस चीज को मैं मार्क करूंगा देखना उसी से क्वेश्चन बनेगा ठीक है तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन क्लोराइड ऑफ़ लाइन इट इज सॉलिड एंड येलो विच वाइट इन कलर कैसा है बेटा आपका सॉलिड है और येलो विच वाइट इन कलर ये इसका कलर हो गया ब्लिचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाई बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरिन किसका स्मेल आता है बेटा इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरिन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्से डिएक्ट विथ क्लोरिन इट गिस्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉमन नेम एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज दल नेक्स सोल्यूशन ऑफ ब्लीउडर इज बेसिक इन नेचर कैसा है बैठाइए नेचर द मटेरियल टू बी ब्लीच इज फर्स्ट पास थ्रूल्यूशन ऑफ एनेट इसको पहले कहाँ पास करेंगे अपन सोल्यूशन ऑफ एनेट टू रिमूव ग्रीजी

क्सीजन अब हमको पैराग्राफ पढ़ के पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर पूरा आपका पैराग्राफ है ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है हाउ ब्लीचिंग पाउडर इस मैनुफेक्चर वाउटर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हमें पूरा जो स्टोरी पढ़ के पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर में भैया हमारा केस बेस्ट क्वेश्चन किया पढ़ते हैं उसके नीचे पहला है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर का नॉर्मली यूज करते हैं हम आ, जो भी आपके लॉन्ड्रीज होते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े के इंडस्ट्रीज में दाग को हटाने के लिए दूसरा इट इज ऑल्सो यूज टू किल जम्स क्योंकि जो क्लोरीन होता है क्लोरीन के पास प्रॉपर्टी है टू तो किल जम्स तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर इन टेक्सटाइल पेपर एंड जूट इंडस्ट्री तो इस स्टेटमेंट सही है आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम ऑल ऑफ दिस अभी देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट पढ़ के फिर पता चलेगा ऑल ऑफ दिस सही यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज

क्लोरीन तो क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करता है जम्स को मारता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीनों स्टेटमेंट सही मतलब, है मतलब ऑल ऑफ दिस ठीक है क्या इसका आंसर ऑल ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एस ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन देखो पहला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये तो केमिकल नेम ही है ये क्या है बेटा आपका केमिकल नेम ही है ठीक है इसके बाद क्लोराइड ऑफ लाइम ये तो आपको दिया हुआ है इसका एक और नाम है बेटा क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको याद कर लेना ठीक है कैल्शियम क्लोराइड

ये तो दिया हुआ स्टेटमेंट हमको जिसकी क्लोरिन की स्मेल है तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका सही है इट इज स्प्रेंगली इन वाटर स्प्रेंगली का मतलब होता है वेरी लिटिल स्प्रेंगली का मतलब क्या होता है बेटा वेरी लिटिल और वेरी लेस लेस्यूबल इन वाटर एंड गिव्स मिल्की सस्पेंशन व्हेन इन वाटर देखो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या बेटा आपका सी ए सी एल टू तो कैल्शियम है कैल्शियम पानी में डिसॉल्व हो जाता है क्या पूरा होता तो है पर नीचे क्या छोड़ता है चूना जो है आपका डिसॉल्व होता है क्या पूरा नहीं व्हाइट जो आपका वाटर इसको कैसे बना देता है मिल्की और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कहाँ रहते हैं आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे जमे हुए रहते हैं इट इज कॉल्ड पीपीटी इसको क्या कहते हैं बेटा पीपीटी तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन तो स्टेटमेंट भी सही है एस ब्लीचिंग पाउडर नेसेंट ऑक्सीजन इट सोर्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हाँ नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही करता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो ये भी स्टेटमेंट आपको कहाँ दिया था केस में दिया हुआ था तो इसका आंसर तो 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 क्या है चारों सही है फोर्थ वाला तो ऑप्शन क्या है बेटा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द गिवन रिएक्शन

क्या है आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ठीक है देखो मैं समझा देता हूं आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इट इज एप्लीकेबल टू बोथ फॉर फॉर सपोज ये आपका mirror spherical mirror, ये फोकस है ये आपका focus है है क्या क्या कहता through, focus. फिर रूल क्या कहता फिर दूसरा सॉरी वेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकमर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये दूसरा रूल है तीसरा रूल क्या कहता है बेटा अगर रे ऑफ ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से पास पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस बैक इनटू द सेम और चौथा रूल क्या है इफ एंगल थीटा बनाता है तो रिफ्लेक्शन में भी क्या होगा एंगल थीटा तो एक ही डायग्राम में मैंने चारों बता दिया आपको ठीक है ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है इसलिए मैंने इसको एक ही डायग्राम में बता दिया ठीक है अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं रे गो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पास थ्रू एनी डेविएशन क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से रिट्रेसेंस बैक होता है क्यों उसी में इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स इफ एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस में देन इरेट एंड मैग्निफाइड इमेज फॉर्म हो गए कैसी होगी इरेक्टर मैग्निफाइड एज अ ऑब्जेक्ट इज बॉर्स क्लोर टू द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस द इमेज मुवस अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस एज फ्रॉम फोकसड इनफिनिटी as the size of image goes on increasing, the image is always real and inverted a concave lens always gives a virtual and तो ये देखो concave lens कैसी इमेज देता है बेटा हमेशा वर्चुअल erect and diminished image irrespective of the position of the object अब हमको क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में केस स्टडी में क्या दे रहा है ये आपको रूल्स दे रहा है फॉर द इमेज फॉर्मेशन और आपको लेंस या मिरर के क्या देगा

लेंस के फोकस पे रख दिया आपने कोई दिक्कत नहीं ये रख देते हैं अपन सी ये रख दिया फोकस पे ऑब्जेक्ट तो पहला रूल क्या कहता है, action, पास focus, ठीक है? पर ये कैसा है आपका डाइवर्जिंग मिरर है से पास होना चाहिए दूसरा लाइन क्या है रे ऑफ लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये भी ऐसे ही सेम, और ऑब्जेक्ट आपका कैसा जाएगा इस टाइप की लाइन जाएगी आपकी तो कैसे बनेगी वो इमेज जो बनेगा आपका रियल और वर्चुअल बनेगा कैसे बनेगा बेटा वर्चुअल और इनवर्टेड रियल बोल रहा हूँ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज फॉर्म बाई लेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज कॉन्वेक्स एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स देखो इसका तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस ठीक है अब इसके बाद ये कहां पे रखना है साइज ऑफ इमेज ऑफ एंड फॉर्म रख दिया तो क्या होगा पहली लाइन तो आप कैसी जाएगी और यहाँ से पास हो जाएगी दूसरी लाइन कैसी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से इस टाइप सॉरी यह है आपका कॉन्वेक्स लेंस ठीक है यह है आपका फोकस ए भी आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ से आपका लाइन पास किया तो फोकस से जाएगा दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच में हमेशा का भी लाइन मीट करेगी क्या नहीं तो जो इमेज आपकी मीट नहीं करेगी कहाँ पे जाएगी इन्फिनिटी पे जाएगी इन्फिनिटी पे कैसी इमेज होती है हाईली मैग्नीफाइड कैसी इमेज होती है बेटा हाईली मैग्निफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट को प्लेस कर रहे कहा गया एफ टू ये और ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर तो ये हो गया आपका पहला रूल पहला रूल क्या पहुंचेगा यहां तक तो पहुंच जाएगा दूसरे रूल में क्या होगा सी से जाएगा और कहाँ पे पहुंचेगा आपकी इमेज नीचे तो इमेज कहाँ बनेंगे टू एफ वन

ये मैं पहले भी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और मैं इसके कुछ लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा तो ये जो एफल्टी है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अगर मैं ऐसे एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में बताने लगूंगा तो लेक्चर जो है वो मेरा तीन चार घंटे के ऊपर का चले जाएगा ठीक है इतना पेशेंस किसी बच्चों पर होता नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे ओवरऑल फटाफट सोल्व करने की कोशिश करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेंट वॉटर ऑफ क्रिटिलाइजन कौन से सोल्ट में वॉटर ऑफ नहीं है तो वॉचिंग छोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास इट इज एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू तो इसमें वाटर प्रिस्टन है ब्लू विट्रॉल इट इज सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू जिप्सम इट इज सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू तो बेकिंग सोडा में है क्या नहीं बेकिंग सोडा में नहीं है तो इसका आंसर क्या है बेकिंग सोडा द पेनक्रेटिक जूस डज नॉट कंटेन बीच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम तो लाइपेस यूज करते हैं हम लोग हाँ किसके लिए टू ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट एम क्या ब्रेक डाउन करता है बेटा स आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करता है ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है ठीक है जब पैटानिन नाम का को कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता आपका पेन द केमिकल टू टेस्ट स्टार्च बेटा ये क्वेश्चन आपका स्टार्सिकैसी में आपने पढ़ा हुआ है स्टार्च स्टार्स प्रेजेंट होता है आपके कार्बोहाइड्रेट में इट इज टू चेक द स्टार्च वैल्यू इन द कार्बोहाइड्रेट की है या नहीं है तो क्या होता क्या है अपन क्या ऐड करते हैं आयोडिन आयोडिन कैसे क्लियर देता है बेटा ब्लू ब्लैक कलर देता है कैसे देता है बेटा ब्लू ब्लैक कलर देता है

ठीक है लाइम वाटर कैसा बन गया आपका मिल्की और ये बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसी कारण ये रिएक्शन कौन सी आपके चूने के पानी के जब अपन व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना इट इज रिएक्शन ऑफ वॉट व्हाइट वॉशिंग किसकी रिएक्शन है बेटा ये व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन है इट मीन्स अब देखो अगर आपको लाइम वाटर को मिल्की टर्न नहीं करना मतलब आपको सीओ को यहां से क्या करना पड़ेगा गायब तो सीओ क्या तो करना पड़ेगा सी को आपको एब्सॉर्ब तो सी को टू कौन करता है क्यूएच कर लेता है कौन करता है क्यूएच तो इन अपसेंस ऑफ सीओ ये बनेगा आपका ऑप्शन ट्रिकी क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज द करेक्ट ऑप्शन अगर हमको बताना है एयर पेसेज रेस्पिरेशन इनहलेशन तो सबसे पहले कहां से है बेटा नोस्टिल्स ठीक है नोस्टिल्स के बाद कहाँ जाएंगे आपके फारनेक्स देन लार्नेक्स लारनेक्स ट्रेके से ब्रॉन्चेस से एलवोलिस ब्रांचेज, ब्रांचेज, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको नोस्टिल फारनेक्स लार्नेक्स नंबर सी हुज रेडियस टू क्या होता है कितना आंसर हो गया

टैप वाटर क्या कर रहा है आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा फ्री आयस क्योंकि इसमें सॉल्ट डिजॉल्व होंगे जैसे एन ए सी एल एम जी सी एल टू है ना बहुत सारे सोल्ट होंगे ना टैप वाटर में जो आपके घर के पानी में आता है नगर पालिका का ठीक है उसमें क्या रहता है बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट पानी के अंदर कैसे होते हैं आयस में क्या हो जाता है डिजॉल्व एंड दिस आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग करंट बट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों डिस्टिल वाटर कैसा होता है बेटा प्योर होता है कैसा होता है प्योर तो पहला स्टेटमेंट टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिटी डिस्टिल वॉटर कर रहा है बिल्कुल सही है तो क्या इसका भी होगा आपका क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सेम है दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन द लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल लार्ज इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्टिकल एलिमेंट के गलत है स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी वैल्यू है मीटर टाइगर है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हर्बी वोरस ये सही है तो क्या बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है जो आपके हर्बी वोरस एनिमल है उनको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है कार्बोट डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है सेलोर्स किसमें प्रेजेंट होता है आपके प्लांट्स में तो देयरफॉर जो जितने भी आपके हर्बी बोरस एनिमल्स हैं तो हर्बी वोरस एनिमल जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा होती है वायरस जो आपके कार्नी है ये प्रोटीन खाते हैं मतलब आपके फ्लैश खाते तो इसलिए इनकी क्या होती है छोटी तो स्टेटमेंट पहला गलत है स्टेटमेंट आर क्या आपका सही है तो कौन सा ऑप्शन है एस फॉल आरिश टू ऑप्शन नंबर इलेवन डी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्सप्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कार्बोट का डायजेशन कहां पर होता है बेटा आपके स्मॉल टेस्ट में पेनक्रिया स्टेटमेंट सही है पर कार्बोहाइड्रेट और इसका कोई link बैठ है क्या नहीं आंसर क्या? क्या है बी एनर्जी इज यूजरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज यूजरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन दिस स्टेटमेंट गलत है रिएक्शन क्या है बेटा आपके रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है इट इज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सी प्लस एनर्जी तो एनर्जी इसमें निकल रही है बेटा ना कि एनर्जी यूज हो रही है तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया गलत तो थर्टीन का आंसर क्या होगा बेटा डी थर्टीन का आंसर क्या होगा आपका डी होगा ठीक है इन द डे टाइम सीओ टू जनरेट डूरिंग रेस्पिरेशन इज बाय द दिंसिस जो सीओ टू जनरेट होगा रेस्पिरेशन में वो फोटो सिंथेसिस यूज कर लेगा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है देयर इज नो सी टू रिलीज ड्यूरिंग अ डे कोई भी सीओ टू रिलीज करेगा नहीं क्योंकि जितना भी सी टू रिलीज करेगा उसको वो क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा

जीरो आपका क्या है एसिडिक है सेवन आपका क्या है बेसिक है सात से लेकर फोर्टीन तक क्या आपका बेसिक है तो सेवन से ज्यादा ही होगा ना हाँ तो स्टेटमेंट क्या है आपका सही फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस वॉट डी मीन बाय एनाबोलिक प्रोसेस एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा इट इज अ बिल्डिंग अप प्रोसेस कैसी प्रोसेस है आपकी बिल्डिंग अप प्रोसेस जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप फ्रॉम स्मॉल मॉलिकॉम्प्लेक्स मॉलिक्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल तो क्या फोटोसिन में ऐसा होता है सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एच टू और सनलाइट अपन सिक्स एच टिक्स आपको पता है जो रेक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री में बिल्डिंग ऑफ ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम ईयर

Respiratory substrate इसको क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द atmosphere. ब्लैंक इज द प्रोसेस वॉट कॉल्ड इट इज called इनहलेशन क्या कहते हैं बेटा इसको इनहलेशन और सीओ टू छोड़ने को क्या बोलेंगे एक्सलेशन सीओ टू को छोड़ने को क्या बोलते हैं एक्सलेशन ठीक है नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन

और डी का क्या है, Water क्या है के मॉलिक्यूल पार्ट। इज थ्री पार्ट ठीक है तो है है। है? है, है? आपका match the pair. Match the pair है. है? आपका है. आपका अब देखिए दूसरा क्या एक एक एंजाइम एंजाइम ठीक है। कौन रिलीज करता है Pancreas. कौन रिलीज़ करता है बेटा पैनक्रियास जिसका काम क्या है टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल सॉरी ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन बेटा क्या हुआ यू हैव ए का फर्स्ट एंड यू हैव बी का फोर्थ नो सी सी बाइल जूस बा कहावर बायल जूस क्या है लीवर एंड डी पैप्सिन पैप्सिन का क्या है गैस्ट्रिक जूस पैप्सिन का क्या है आपका गैस्ट्रिक जूस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एसेंशियल इनग्रीडियंट इन मोस्ट एंटाइ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एसेंशियल इन मोस्ट एंटा क्या होते हैं एंटा एसिड्स आपके वो केमिकल न्यूट्रलाइजेस दैट द एसिडिटी ऑफ स्टमक ट न्यूट्राइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक तो अब किसकी बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं बेकिंग सोडा अब यह क्या करता है बेटा इट इज स्लाइटली एल्कलाइन कैसा है बेटा आपका स्लाइटली एल्कलाइन अब स्लाइटली अल्काइन है तो एल्काइन मतलब बेस है बेस रेट करके इसके लिए हथियार बनेगा क्या है सोल्ट एंड वाटर कुछ नहीं होगा आपका यू टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रेटेड सोल्ट

सी एस ओ फोर डॉट सी एसओ फोर डॉट टू एस टू इट इज देख वी है ठीक है हाउ फिर क्या लिखना है अपने को इलेस्ट्रेड थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इलेस्ट्रेड थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड ठीक है तो ट्वेंटी वन थ्री प्रॉपर्टीज लिखना है हमको एसिड के लिए ठीक है तो देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होगी सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉसिड एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एसिड प्लस बेस टू सॉल्ट प्लस वाटर तो एसिड हो गया सपोज आपका HCl बेस हो गया आपका NaOH तो व्यू टू क्या होगा आपका एनएसएल प्लस एस टू होगी पहली प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी देखो रिएक्शन विथ मेटल रिएक्शन विथ मेटल तो ठीक है एसिड का रिएक्शन होता है विथ मेटल इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन तो एसिड क्या होता है आपका एच टू एसओ फोर प्लस एफ ई क्यूर एच टू एफ एसओ फोर प्लस एच टू एंड थर्ड बनी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड एंसर रिए मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड तो देखो क्या होगा आपका मेटल ऑक्साइड तो यह है आपका सपोज मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसका करना आपको एसिड के साथ तो so, बनेगा तब भी क्या आपका सोल्ट तो so, पहले वॉटर मोलिक्यूल बन रहे थे अब क्या बनेगा आपका एच टू देखो एग्जाम्पल मेटल सॉल्ट देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड देख लो आपका एस बैलेंस करना है अपने को तो क्या बन गया आपका सीयू सी एल टू प्लस क्या बन गया आपका एस टू ये तीन रिएक्शन है आपकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रीपेय ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर अपन ने पहले भी पढ़ लिया है बहुत सिंपल रिएक्शन है सी एओ सी एल टू कैसे बनता है बेटा देखो सी एच होल्ड प्लस सी एल टू तो क्या बनेगा सी ए सी एल टू क्या बनेगा सी ए सी एल टू और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है फोर्टी टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वाई डज डिजटल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर रेन वाटर डस डिजटल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर डिस्टिल वाटर कैसे बेटा इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर वेर इज रेन वाटर कंटेंस आयंस रेन वाटर में क्या होता है बेटा आयंस होता है डस नॉट इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है हाइड्रोजन गैस बन रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी आरफ नाइट इट बर्न विद अ पॉप सॉन्न तो रिएक्शन क्या कह रहा है आपका जिंक प्लस एस सी एल है जेड एन सी एल टू प्लस एस टू यह रिएक्शन है आपका ठीक है वॉट वुट हमको क्या करना है ये जो रिएक्शन है इसको हमको किससे कराना है इनस्टेड ऑफ डायलूट एस सी एल डायलूट एस सी एल से कराना है इनस्टेड ऑफ डायलूट एस सी एल टू एसो फोर रिएक्शन है आपका और अगर मैं इसको कराता ओरिजिनली H2SO4 टू फोर तो क्या बनता आपका? ZNSO4, H2, तो है आपका ठीक है तो कैसी रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेजर पीएम